नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज। हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जिन्हें हम पौराणिक मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में प्रदूषण के कारण उनमें काफी हद तक बदलाव की जरूरत है। ब्रह्मास्त्र न्यूज ऐसे ही एक संवेदनशील मुद्दे को आपके सामने लेकर आया है, जिसमें एक तरफ हमारी पौराणिक मान्यताएं और दूसरी तरफ हमारा स्वास्थ्य है। तो इसी मुद्दे पर आइए जानते हैं कुछ समाज सेवियों की प्रतिक्रियाएं। हमने इस मुद्दे पर जनसेवा शक्ति के प्रेसिडेंट बद्री प्रसाद जी से बात की। इनकी संस्था से जुड़े लोग कोरोना काल में वो मसीहा बनकर सामने आए कि एक मिसाल कायम हुई। ये वो कंधे थे जिनका कोई नहीं था, उनका जनसेवा शक्ति खुद कंधा था। इनसे बात की तो यह भी पता चला कि पुराने तरह से दाह संस्कार करने पर प्रदूषण के साथ पेड़ों की भी काफी मात्रा में खपत होती है। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत शरीर का दाह संस्कार करने में लकड़ियों का सबसे अधिक उपयोग होता है। एक सर्वे के अनुसार भारत में एक तिहाई यानी करीब 70% लकड़ी का उपयोग अंतिम संस्कार के लिए होता है। अकेले शवों के अंतिम संस्कार के लिए हर साल करीबन 5 करोड़ पेड़ों को काट दिया जाता है। पारंपरिक तरीकों के दाह संस्कार से लकड़ी के जलने से हवा में लगभग 80 लाख टन कार्बन मोनोऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। दहन के बाद निकलने वाली राख जलाशयों या नदियों में बहाई जाती है। अंत्येष्टि संस्कार को महायज्ञ भी कहा गया है, इसलिए भी कि शरीर में जो पंच तत्व प्रकृति से लिए थे उन्हें अब लौटाने का समय है। हमारी इस एनजीओ का नाम है जन शक्ति रजिस्टर। ये मानव सेवा के उद्देश्य से बनाया गया है कि ये एनजीओ क्या क्या सेवा कर सकती है। तो एक बार हमारे एनजीओ के लोग, हम घूमते घूमते यहाँ आ गए, हमने देखा कि शमशान घाट की बहुत दुर्दशा है, तो ये हमने अडॉप्ट कर लिया। हमने कॉरपोरेशन को लिख के दिया और उनसे हमने एमओयू के तहत इसको सन 2000 में ले लिया। और ये एनजीओ एक प्रोजेक्ट तो ये चलाती है और काफ़ी सारे हैं। एक हमारा स्कूल है, हमने एक स्कूल अडॉप्ट कर रखा है, उसकी हम सेवा करते रहते हैं। एक हमारा ये झील पार्क है, इसकी सेवा में हम लगे रहते हैं। इस तरीके से छोटे बच्चों की हम ट्यूशंस का करते हैं और आगे भी भविष्य में हमने काफ़ी सारे ये एम्स रखे हुए हैं, जिससे हम धीरे 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 उस ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस काम का इंटरेस्ट, जब हम किसी शव के साथ आए थे तो हमने देखा कि यहाँ तो बहुत दुर्दशा है और व्यक्ति की अंतिम यात्रा भी सुखद ना हो, ये हमारे मन में एक बात हुई। इस बात को लेते हुए हमने ये उद्देश्य लिया कि हम इसको ठीक करेंगे। बेसिकली ये शमशान घाट दिल्ली की SDMC कॉरपोरेशन के अंडर आता है और डे टू डे वर्क के लिए अंडर ये MOU अब ये जनशक्ति के पास है। जैसा कि आपने पूछा कि पारंपरिक रीति से जो संस्कार किए जाते हैं उसमें पॉल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि जब लकड़ी जलती है तो धुआं निकलेगा ही, तो धुएं से जितना प्रदूषण होता है, और एक दिन में यहाँ 10 शव आते हैं तो उसके धुएं का घनत्व देख लीजिए कितना होता है। बदलाव लाने के लिए तो हमने ये सब कुछ किया ही है। हमारी इच्छा ये है कि पारंपरिक भी और आज का दोनों चीज़ चलें साथ साथ। उसके लिए हमने देखा कि हमने अप्लाई किया तो हम ये CNG लेकर आए। CNG पर पारंपरिक हम इतना कराते हैं कि जो शव की पारंपरिक पूजा होती है वो हम वहाँ भी करवाते हैं, ताकि आने वाले लोगों के साथ जो परिजन आए हैं उनको भी ये अच्छा लगे कि पारंपरिक भी हो रहा है और दाह संस्कार CNG से होता है। एक्चुअल क्या है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम लकड़ी से ही संस्कार करें, और बिजली के ऊपर आदमी का इतना विश्वास नहीं है। और कई लोग क्या करते हैं कि
जैसे अब हमारे सोसाइटी जनशक्ति सोसाइटी है, मैं महेंद्र त्रिपाठी हूँ और एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ इस सोसाइटी में। तो ये जो विद्युत दाह संस्कार है, पहली बात तो यहाँ पे अभी है नहीं, यहाँ से सीएनजी का ही हमारा प्लांट अभी रिसेंटली कोरोना काल के दौरान ही चालू हुआ है यहाँ पे। उसमें भी कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मगर कोरोना काल में काफ़ी लोगों ने यहाँ पे संस्कार किया है क्योंकि जगह नहीं थी अवेलेबल। उस दौरान अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और इसको एक्सेप्ट किया है। और वैसे मान्यता के हिसाब से एक शव में हम एक तिहाई पेड़ को खत्म कर देते हैं। एक शव में 12-13 क्विंटल लकड़ी एक शव एक पेड़ से मिलती है, तो 3 शव उसमें जल पाते हैं। 3 शव जलाने का मतलब एक वृक्ष को खत्म करना है। और एक पेड़ को खड़ा होने में कम से कम 20-25 साल लगते हैं, तब वो इतनी लकड़ी दे पाता है। पारंपरिक रीति सीएनजी और गौ कास्ट से, उससे तीनों में गौ कास्ट वाला सबसे बेहतर है क्योंकि उसके अंदर आग जो होती है वो अंगारा बन जाती है। अंगारे के अंदर जो शव का दहन होता है वो ज़्यादा माइन्यूटली होता है और उसमें से गैसेस कम निकलती हैं। सीएनजी की सुविधा हमारे पास है, पंजाबी बाग शमशान घाट में है, लेकिन 50% कारगर है। फिर हमारे संस्कार बीच में आ जाते हैं सनातन धर्म के, इस वजह से हम 50% रह जाते हैं। कभी कभी लगता है, लेकिन हम इस अवेयरनेस के नाते हमारे लोग, अपनी सोसाइटी के लोग, समाज के लोग मंदिरों में जाकर, वैसे हम इस बात का करते हैं कि भाई पॉल्यूशन को बचाने के लिए, पर्यावरण को देखते हुए सीएनजी पर ज़्यादा से ज़्यादा कराएँ। ऐसा है, हमारी जो सोसाइटी है, कई संस्थाओं के थ्रू हमें यहाँ पे मदद मिलती है। कई लोग आते हैं, कई सामाजिक तौर पे भी लोग आते हैं जो हमें डोनेट करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी न किसी समाज से जुड़े हुए हैं। ये तो सर सामाजिक की बात, मैं बात कर रहा हूँ साउथ दिल्ली एमसीडी, इसको हमें जो जगह दे रखी है साउथ दिल्ली एमसीडी के अंडर है। बाकी जो यहाँ पे जो सेटअप बना है, या तो दिल्ली सरकार एमएलए के थ्रू या हमारे यहाँ के काउंसलर हैं उनके थ्रू, जो भी हमें एक्सेप्ट मिलता है यहाँ पे, डोनेट मिलता है, उसको हम जहाँ ज़रूरत होती है उनसे बोलते हैं, वो हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। नहीं, सरकार की तरफ से तो काफ़ी योजनाएं ऐसे हैं, सीएनजी जो लगा है सरकार की तरफ से ही लगा है, साउथ दिल्ली एमसीटी की तरफ से डोनेट हुआ है, एमपी फंड से यहाँ पे ये सीएनजी का प्लांट लगा है। तो ये चीज़ें सारी इसी तरीके से मैनेज की जा रही हैं। हमारी सोसाइटी, हमारे प्रधान जी इस चीज़ में सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं लोगों को, और लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं। जनशक्ति सोसाइटी मेडिकल कैंप भी 2 बार लगा चुकी है, कई लोगों के हमने, प्रधान जी शायद भूल गए, मेडिकल कैंप भी लगाया हमने जनशक्ति सोसाइटी के अंडर, आँखों के हमने ऑपरेशन भी करवाए हैं काफ़ी लोगों के। हमारी इस एनजीओ में 15 पंडित काम करते हैं और 8 पेड कर्मचारी काम करते हैं। जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाती है उसका संस्कार जो है सोसाइटी के माध्यम से किया जाता है। तो कुछ हमारे पास ऐसा होता है कि जिसे 2-4 महीने में हमारे पास यहाँ पे कई लोग अस्थियाँ रखे चले जाते हैं, उनकी अस्थियाँ उठाने नहीं आते। एक हमारे यहाँ जो नेपाल के कुछ हो गए हैं, उनके यहाँ एक संस्कार, एक नियम होता है कि एक अस्थि को जाके से वो संस्कार वो प्रवाहित करते हैं और बाकी अस्थियाँ छोड़ देते हैं। तो हम ऐसे ही एक गाड़ी आई थी तो हम उसको लेके हरिद्वार लेके जाते हैं, और 15-20 जब अस्थि कलश हो जाते हैं तो हम उनको खुद अपनी संस्था के माध्यम से उसको जो है प्रवाहित करके उसकी गति के लिए जाते हैं। शुरू में जब शव लाया जाता है, घर से जब शव चलता है,
अर्ध मार्ग कहा जाता है। अर्ध मार्ग पर क्या होता है, पुरानी मान्यता के अनुसार उसको एक स्थान पर रख दिया जाता है और वहाँ पर स्त्री वर्ग जो होता है वो उसके दर्शन करके अर्ध मार्ग से वापस चला जाता है, पुरुष वर्ग आगे ले आते हैं। फिर आगे लाकर एक घड़ा तोड़ने की रीति होती है, उसको संबंध विच्छेद करना के उद्देश्य से बनाया गया था। तो जो पुत्र होता है और आजकल के युग में पुत्री भी, तीन चक्कर लगाकर एक घड़े में पानी भर के और वहाँ तोड़ा जाता है कि ये हमारा तेरा अंतिम संस्कार समाप्त, संबंध समाप्त वहाँ किया जाता है। उसके बाद आगे लाते हैं और फिर शव को चिता पे रखा जाता है, यहाँ पर 7.5 मन लकड़ी रखकर और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ शव का जब दहन हो जाता है, उसके बाद सारे परिजन बाहर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और लास्ट में एक तिनका तोड़ने की एक परंपरा है कि भाई ये आज से हमारा तेरा जो छोटा मोटा तिनके के बराबर भी संस्कार था, जो संबंध था, वो समाप्त, और हम समाप्त करके अपने परिजनों से हाथ जोड़ के और घर चले जाते हैं। उसके बाद क्रिया का चौथे की रस्म होती है, चौथे की रस्म पर हम अस्थियां संचय करते हैं। उसके बाद क्रिया की रस्म होती है और ब्राह्मणों को भोजन करा के और दैनंदिन दिनचर्या स्टार्ट कर दी जाती है। कभी कुछ नहीं रहता क्योंकि आत्मा अजर अमर है और ये इस शरीर के बिना रह नहीं सकती। जिस वक्त व्यक्ति के प्राण निकलते हैं वो आत्मा उसी वक्त किसी दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है। उस जो शरीर रह जाता है उस शरीर के साथ हम संबंध समाप्त करते हैं, आत्मा के साथ कभी नहीं होता। जब भी किसी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि आपके पिताजी का नाम क्या है, क्या है, तो हम ये कहते हैं लेट श्री, इसलिए लगाया जाता है। हम शरीर से उसका संबंध समाप्त करते हैं, आत्मा से कभी नहीं हो सकता, ना हो सकता है। यह कोरोना काल में अवगत मृत्यु बहुत ज़्यादा हुई। अवगत मृत्यु से कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटी छोटी उम्र के लोग, लड़के लड़कियाँ गए, इसका बड़ा हमारे को आघात हुआ कि समाज में इतनी क्षति हुई। तो ये कैसे हुई क्षति, तो कोई कर ही नहीं सकता, कोई तो परमात्मा की आत्मा, हमने इनकी आत्मा की शांति के लिए 7 जून को एक सर्वधर्म सम्मेलन किया, जिसके अंदर से सनातनी धर्म के अनुसार यज्ञ हवन का अनुष्ठान का प्रबंध किया, सिखी मान्यता के अनुसार जो है हमने सुखमणि साहब का पाठ और अरदास का व्यवस्था कर, और आगे समाज की तरफ से हमने जो है गायत्री मंत्रों का उच्चारण, आगे समाज के पंडित बुलाए, जैन धर्म के कुछ लोग बुलाए, जैसे ऐसे जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग थे, तो सब जातियों बिरादरियों के लोग, गणमान्य लोगों को बुलाया, मंदिर समितियों को बुलाया, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को बुलाया, जो इस क्षेत्र के रखते हुए थे, सराउंडिंग एरियाज के जो थे, हमने ऐसा एक पाठ किया, हवन किया, अरदास करी, भी उसके बाद प्रसाद का वितरण किया। तो वो जो क्षति हुई हम उसको पूरा नहीं कर सकते कभी, हमें उस चीज़ का बहुत आघात था। हमने काम तो किया, उनका संस्कार भी किया, सब कुछ किया, हम रात को 8-10 बजे तक यहाँ से गए, लेकिन मन में एक पीड़ा थी। सुबह 7 बजे आते होते होते शमशान घाट राशों से भर जाते थे, लोग 3-3 बजे लाइन लगाते थे कि सुबह हमारा उस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। जैसे हमारे हिम्मत जी बता रहे थे कि उस दौरान में ऐसे लोग भी आए जिनके पास पैसा भी नहीं था संस्कार करने के लिए। हमारी एनजीओ सोसाइटी में कई ऐसे लोग दानवीर हैं जिन्होंने हमारी पूरी हेल्प की, उनके संस्कार का जो भी, देखो ये एमसीडी की तरफ से चलता है, लकड़ी का पैसा लगता है, उन्होंने डोनेट किया। ऐसे ऐसे लोगों का संस्कार यहाँ पे कराया गया जिनके पास पैसा नहीं था, यहाँ पे संस्कार किया। मगर दुखी मन से कई लोग ऐसे आते थे यहाँ पे, उनके फादर की डेथ हुई है, बच्चे हैं, मगर वो हाथ नहीं लगाने को राजी, मगर हमारी सोसाइटी के लोगों ने पूरा तन मन धन से हर प्रकार से साथ दिया और भगवान इनको शक्ति दे, यही मेरी प्रभु राम से कामना है। हम तो यही चाहते हैं कि बद्री जी हमारे जो प्रधान हैं इनकी लंबी उम्र हो और ये स्वस्थ रहे। जितना काम इन्होंने किया कोरोना काल में, मेरे हिसाब से कहीं किसी ने नहीं किया होगा पूरी दिल्ली में। और पूरी दिल्ली में हमारा जो ये शमशान घाट है नंबर 1 पे आया कोरोना काल में, जो हमने मतलब कि लोगों की मदद करी, हमारे प्रधान जी ने सुबह से लेकर रात तक यहीं लगे रहते थे। और कई बंदे तो ऐसे थे जो अपने माँ बाप के शव को छोड़ के भाग जाते थे, हाथ नहीं लगाते थे, ऐसे ऐसे शवों को उठा के
हम लोगों ने संस्कार किए, हमारे प्रधान जी ने दिन रात सेवा करी, इसके लिए मैं अपने प्रधान जी को धन्यवाद दूँ। हमने तो यही देखा है, क्योंकि अच्छे और बुरे सब तरीके के लोग मौत ये नहीं देखती कि ये व्यक्ति कैसा था कैसा नहीं था। अच्छे लोगों से संस्कार लेकर ये देखा कि भाई ये बड़ा ध्यानी था, ये मंदिर में सेवा करता था। हम चाहते हैं कि यही संस्कार आगे हम समाज को भी प्रेषित करें, और वो कैसे प्रेषित होगा कि हम पहले अपने जीवन में उतारें, हमें देखकर हमारी आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करे। सबके साथ ये भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं पुरानी मान्यताओं का खंडन भी हुआ। जहां हिंदू धर्म में रात के वक्त शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता, कोरोना काल में रात के 3 बजे तक शवों के दाह संस्कार हुए, तो क्या वे मुक्ति बंधन से मुक्त नहीं हुए? यह धारणाएं यह बताती है कि हमें अभी भी समझ जाना चाहिए, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण देने की पहल करनी चाहिए, जो कि हमारी तरफ से उनके लिए विरासत होगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।